नीतीश कुमार के बयान पर अब पीके ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार पर उम्र का असर दिख रहा है, यह प्रशांत किशोर ने कहा है। कहना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं। नीतीश सियासी रूप से अलग थलग हो गए हैं, यह प्रशांत किशोर ने कहा है। ऐसे लोगों से नीतीश कुमार घिरे हैं जिन पर भरोसा ही नहीं है, यह भी पीके ने कहा है। कल नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा था कि प्रशांत किशोर कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। वो चाह रहे थे कि जेडीयू को कांग्रेस में मर्ज कर दिया जाए। और अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लगता है नीतीश कुमार पर उम्र का असर हो गया है, वो कहना कुछ और चाहते हैं और बोलते कुछ और हैं। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में। वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूँ, और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं, तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूंगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए? और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी। तो ये उम्र का असर है, अंग्रेजी में वर्ड जो है थोड़ा डिल्यूजनल हो गए हैं, घबराहट भी है और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ गए हैं। ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पर उनका खुद का विश्वास नहीं है, इसी घबराहट में कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। तो उम्र का असर है और अकेले पड़ जाने की जो घबराहट है, इस वजह से कुछ बोल रहे हैं। वैसे ही बोलते रहता, सुन लीजिए, कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी अब पटना में भी करा दिए, कह दिए है एक बार, हम क्या रोज रोज बोले? वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले? अब जिसको जहाँ जाना है अब जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हमके बोला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4-5 साल पहले आकर के कह रहा था। खैर, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में, तो उसी के हिसाब से कर रहा है। हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।